हाँ, कलयुग में ये व्यक्ति प्राय अधर्म और अन्याय करने वाला होगा। दुराचार रता सर्वे सत्यवातम परांगमुखा। कलकाल की यह बहुत बड़ी भूल है, कलकाल की यह बहुत बड़ी धृष्टता है। जिनको बहुत अपना माना जाएगा और वही दगा करेंगे, ऐसा से पुराण में लिखा है। कलयुग में कोई भी विश्वास करने के लायक रहेगा ही नहीं। पराप बाद निरता पर द्रव्या अभिलाषण, दूसरों की स्त्री के ऊपर और दूसरों के धन के ऊपर दृष्टि रखेंगे, सोचेंगे कि कैसे भी इसकी संपत्ति हमारे नाम हो जाए। पर स्त्री सक्त मनसा, कलयुग में लोगों को अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगेगी, दूसरों की गृहणियां मलूक लगेंगी, अच्छी लगेंगी, ऐसा इस श्लोक में लिखा है। पर स्त्री आसक्त मनसा, कलयुग का व्यक्ति पराई नारी के प्रति आसक्त होगा। पर हिंसा परायण, उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए वो किसी को भी मार काट सकता है, वो स्त्री भी पराए पुरुष को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकती है। यहां तो लिखा है जिस पति के साथ साथ भामर पड़ी है उसको छोड़ने में, उसको मारने में कलयुग में स्त्री पुरुष को कोई कष्ट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। कलकाल के दोषों का वर्णन पिछले पुराणों में आप ब्रह्मांड पुराण में बहुत विस्तार से सुन चुके हैं। यहां तो पूरा पन्ना अध्याय भरा पड़ा है और उतनी बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे प्रसंग आगे के लिए बढ़ाना है। देहात दृष्टयो मूढ़ा नास्तका पशु बुद्धिया, कलयुग में जीव के पास पशु बुद्धि होगी। लिखा ये प्राकृतिक सौंदर्य इनके पास नहीं होगा और ये पैसा खर्च कर करके सुंदरता खरीदेंगे, और हो ही रहा है, मुंह तो टम्पू जैसा होता है। हाँ, फिर वो सुंदरता पैसा खर्च कर करके लीपा पोती कर करके, और कलकाल में तो प्राय मुंह तो शीशे में देख लें कैसा है, बनाया जाएगा। ये कलयुग में ये ऐसा होगा। मात्र पितृ कृत द्वेषा स्त्री देवा काम किंगरा, इसमें लिखा है कलयुग में वासना की पूर्ति के लिए विवाह होंगे, संतान के लिए नहीं। ये तो आने वाले समय में आप देखिए, आज वर्तमान समय में युवा विवाह करने को तैयार नहीं है क्योंकि बिगड़े हुए सब बिगड़े ले बिगड़े हुए हैं। हाँ, और नाम के लिए तो हम विवाह नहीं करेंगे, लेकिन ये अछूते रहते हैं बिना विवाह के, बिगड़े हैं नंबरी, कहते हम विवाह नहीं करेंगे, तुम्हें विवाह की जरूरत ही क्या है, तुम ये तो जानते नहीं है कि खानदान को, कुल परंपरा को, इस वंशावली के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए उधर एक संतान को देना है। यदि उसमें है आप ग्रस्त में तो, नहीं तो फिर बाबा जी बनकर के घूमो, भजन करो, काशी करवट लो। एक तरफ विवाह नहीं और दूसरी तरफ ये कुकर्म करने वाले जो लोग हैं, ये पन्ना भरा हुआ है शिव महापुराण का, इसमें ये पढ़ करके भय लगता है, डर लगता है। यह अन्याय करने वाले, अपराध करने वाले, ईश्वर के यहां से तो इनको किसी भी प्रकार की क्षमा मिलती नहीं है। और कलयुग में यदि कोई व्यक्ति महात्मा बनने को जा रहा है, साधु बनने को जा रहा है, निवृत्ति मार्ग में जा रहा है, तो बहुत सोच विचार करके दुर्गति हो जाएगी, जीवन बिगड़ जाएगा यदि बाद में कोई गलती कर बैठा तो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। 2.5 रुपए का रंग बहुत आता है, पूरा का पूरा थान कपड़े का रंग जाता है, 2.5 का नहीं तो 5 रुपए का आ जाएगा, 25 का आ जाएगा, कपड़ा रंगने में क्या लगता है। लेकिन इस रास्ते पर चलना बड़ा मुश्किल है। सोजी महाराज रो पड़े, सौन ऋषियों को कहा कि संसार के कामी, कलयुग के कामी लोग किसी की स्त्री के हरण के लिए अपने माता पिता को मार देंगे, तो वो विरोध करेंगे, तो माता पिता का प्राण लेने में इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस स्त्री को ये लेके आएंगे वो इनके प्राण ले लेगी, वो फिर किसी दूसरे पुरुष के पास चली जाएगी। स्त्री देवा काम किंकरा,
कलयुग में ये धूर्त लोग स्त्री को ही देवता मान लेंगे, ये काम ही होंगे, ये वासना ग्रसित इनका जीवन होगा, ऐसी स्थिति होगी। विप्रा लोभा ग्रह ग्रस्ता, ब्राह्मण भी लोभी हो जाएंगे। वो परमात्मा को प्रकट करने के लिए भगवान की पूजा नहीं, अपनी लोभ वृत्ति के लिए, अपनी जीविका के लिए, उनकी भी ऐसी स्थिति होगी। विक्रह जीवन धनार्जनार्थ अभ्यस्त विद्या दामी विमोहिता, कलयुग में विद्या बेची जाएगी, और युगों में ऐसा नहीं होता था।